ट्रैफिक बेहतर इंदौर के तहत सोमवार को ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों द्वारा ओरिएंटल कॉलेज में किस तरह ट्रैफिक के नियमों का पालन करें इसे लेकर एक कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला के दौरान ट्रैफिक से जुड़े कई मुद्दों पर अधिकारियों ने वीवी के छात्रों के साथ चर्चा भी की। स्वच्छता में नंबर वन आने के बाद ट्रैफिक को लेकर लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा अवेयरनेस दिखाई जा रही है। इसके तहत समय समय पर शहर के कॉलेजों में ट्रैफिक व्यवस्था पर कार्यशाला का आयोजन किया जाता है, साथ ही और शहर का ट्रैफिक कैसे बेहतर हो इस पर चर्चा की जाती है। इसी कड़ी में ट्रैफिक डीएसपी संतोष उपाध्याय व सूबेदार कासिम रिजवी द्वारा ओरिएंटल कॉलेज में विधि के छात्रों के साथ ट्रैफिक को लेकर एक लंबी चर्चा की गई, साथ ही और कैसे बेहतर ट्रैफिक को सुधारा जाए इस पर छात्रों के सुझाव भी लिए गए। लगातार ट्रैफिक पुलिस द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। वहीं इस दौरान होने वाले लेक्चर पर भी छात्र छात्राएं काफी रुचि दिखा रहे हैं, क्योंकि उन्हें शहर के बिगड़ते ट्रैफिक से कैसे निजात मिले इस पर अधिकारियों द्वारा सुझाव दिए जा रहे हैं। ओरिएंटल कॉलेज में दिए गए लेक्चर के दौरान कई गंभीर सवालों के जवाब अधिकारियों द्वारा दिए गए, जिससे छात्र पूरी तरह संतुष्ट नजर आए। इसे दिवसीय कार्यशाला के दौरान छात्रों में काफी उत्सुकता दिखाई दी। अभी डीएसपी ट्रैफिक श्री संतोष उपाध्याय साहब द्वारा ओरिएंटल यूनिवर्सिटी में लेक्चर लिया गया। उसमें हमने एक ट्रैफिक का मुख्य पार्ट जो ट्रैफिक एजुकेशन होता है उसके अंतर्गत बच्चों को बहुत छोटी छोटी बातें जो जिन बातों को हम लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में अवॉइड कर देते हैं या हमको इतना ज्ञान नहीं है कि हमको रोड की किस साइड से चलना है, किस प्रकार से रोड को क्रॉस करना है और ओवरटेकिंग के संबंध में और जो है ट्रैफिक इंजीनियरिंग लाइन रोड लाइन वगैरह कैसी होती हैं, किस सिग्नल का मतलब क्या होता है, किस सिग्नल पर हमको क्या कार्रवाई करनी है, ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं तो ये हमारे जीवन में हमको सामने आती हैं, लेकिन उनमें जो सावधानियाँ बरतनी चाहिए या क्या उसका सही रूप है उसके बारे में जानकारी दी गई। बच्चों का फीडबैक बहुत अच्छा रहा, बच्चों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि बड़ी बड़ी चीज़ें जो जैसे एक्ट है, एक्ट वगैरह तो सब पढ़ लेते हैं, सबके बारे में जानकारी होती है कि भाई सब डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, लेकिन चलना कैसे है, क्या चीज़ फॉलो करनी है, किस तरीके से हम जो है सुरक्षित रहेंगे उसकी जानकारी बच्चों को दी गई, उनको काफ़ी अच्छा लगा। देखिए इंदौर जो है वो एक बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पर बहुत अच्छे लोग निवास करते हैं, बहुत अच्छे लोग आते भी हैं, यहाँ पर सब लोग पढ़ने लिखने के लिए आते हैं, तो हमारा इंदौर जो इतना नाम है उसका, हाँ ये ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, हमको सबको बड़ा गर्व है इस चीज़ के ऊपर कि हमने 2018 की तुलना में 2019 में रोड एक्सीडेंट्स में 8% की कमी की है और जो है वो दुर्घटना में मृत्यु की संख्या में या जो एक अंग भंग या जो है वो गंभीर क्षति होती है उसकी संख्या में 27% तक की हमने कमी की है। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हमने कोई कार्रवाई नहीं की है या हमारा युवा जो है वो अवेयर नहीं है, हमारा युवा अवेयर है, थोड़ा सा भटका हुआ है। उसके लिए हम विभिन्न प्रकार के माध्यम से जैसे भी ट्रैफिक सप्ताह चलाया था, ट्रैफिक सप्ताह में विभिन्न माध्यम से नुक्कड़ नाटक के माध्यम से और जो है वो और विभिन्न प्रकार के जो FM है उनके माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, और चूँकि हमारा इंदौर एक बड़े अलग ही कॉन्सेप्ट पर चलता है, हमेशा नंबर वन रहने की आदत है, तो हमको उम्मीद है और हम लोग उम्मीद करते हैं हम लोग आपके और हमारे सबके सहयोग से इंदौर को यातायात में नंबर वन। कार्यशाला के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए ट्रैफिक अधिकारियों ने बताया कि युवाओं की जिम्मेदारी है कि वे लगातार ट्रैफिक नियमों का पालन करें जिससे वे दुर्घटना के शिकार होने से बच सकें। यदि आंकड़ों की बात की जाए तो पिछले कई सालों में दुर्घटनाओं की ग्राफ में कमी आई है जो ट्रैफिक विभाग के लिए एक बड़ी सफलता दर्शाती है।